ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଆଇନ ବୈଧତା ନେଇ ରାୟକୁ 90 ଦିନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେ ସ୍ଥଗିତ। 8 ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ଏହି ଆଇନ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। UGC ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବାରୁ ଏହି ଅଧିନିୟମ ଆଇନସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହୃଦଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। अगर इस तरह के अमेंडमेंट एक्ट हर स्टेट में आने लग गए तो UGC की कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्ट के हिसाब से चलेगा, तो UGC का जो पर्पज है वो डिफीट हो जाएगा। इसीलिए हमने उड़ीसा हाईकोर्ट के जजमेंट को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, आज वहां पर पहली बहस थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने दो डायरेक्शन दिए हैं। पहला डायरेक्शन, स्टेट से जवाब मांगा है, स्टेट ऑफ उड़ीसा से, और कहा है कि इस मामले में जो सुनवाई होगी वो 2 महीने के बाद हो जाएगी। और उन्होंने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो उड़ीसा हाईकोर्ट का जजमेंट था जिसमें ये कहा था कि स्टेट एक्ट से UGC रेगुलेशन को वेरी किया जा सकता है, उस पर स्टे लगा दिया है 3 महीने के लिए। 2 महीने बाद सुनवाई होगी और 3 महीने के लिए उस उड़ीसा हाईकोर्ट के जजमेंट को स्टे कर दिया है। उड़ीसा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम को नहीं विवाद लागी रही। यह अधिनियम विश्वविद्यालय मानकर गुरुत्वपूर्ण शिक्षा और प्रशासनिक पदवी गुड़िकर नियुक्ति चयन प्रक्रिया को संकुचित करछि। वाइस चांसलर, प्रोफेसर और आसिस्टेंट प्रोफेसर आदि विश्वविद्यालय गुरुत्वपूर्ण पदवी गुड़िकर चयन में UGC नियम कानून उल्लंघन कर राज्य सरकार विश्वविद्यालय स्वायत्तता उपरे हस्तक्षेप करथिबा अभियोग होइतला। विश्वविद्यालय बदल में राज्य पब्लिक सर्विस कमिशन यह पदवी पूरण परीक्षा और साक्षात्कार करने आईन में व्यवस्था कर राज्य सरकार को आईन को वैध घोषणा कला बेले ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम 1979 2020 संशोधन को कायम रखा सह UGC नुहे राज्य सरकार का नियम राज्यर विश्वविद्यालय उपरे लागू होला बेले UGC नियम कानून लागू होबार बाध्यबाधकता नाही बोली कहिथिले। मात्र सुप्रीम कोर्ट तांको राय रे राज्य विश्वविद्यालय मानक उपरे UGC अधिनियम 2018 लागू होबो बोली राय दैछन्ति। एहा तरह हाईकोर्ट को आदेश उपरे रहितादेश लागिछि। धन्यवाद जनाइबे अजित महांति के तांकर जे एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट रे ये केस टी परिचालना करथले से माने गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप नहीं। आटलिस्ट सुप्रीम कोर्ट हाज गिवन ए स्टे जोटा मुझे आशा करी स्टे ओडिशा हाईकोर्ट दबो बोली ओडिशा हाईकोर्ट न दे बर्तमान सुप्रीम कोर्ट स्टे देला। एटा एथु जाना पड़छे जे केस हाज ए मेरिट। ओडिशा हाईकोर्ट टोटाली रिजेक्ट करी जो आम सरकार जो पॉलिसी होता ताकि मानि नेला ता फल विश्वविद्यालय जो स्वाधीनता थिला जो तंकर ऑटोनॉमी थिला द एंटायर ऑटोनॉमी इज टेकन अवे। ए आईन विरोध रे राज्यर बहु विशिष्ट शिक्षाविद, पूर्वतन कुलपति, छात्र, राजनैतिक और सामाजिक संगठन माने आंदोलनर रास्ता को ओल्लाइथिले। सुप्रीम कोर्ट कर ए आईन को स्थगित करने को ए आईन रो विरोध करथुबा संगठन और नेता माने खुशी व्यक्त करछन्ती। दिल्लीर गगन विश्वाल भुवनेश्वर सुप्रांजलि महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।